तो मैं क्या ही करूं, अब कंटेंट नहीं है तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अभी सवेरे सवेरे अपन किधर जा रहे हैं? अपन जा रहा है जिम में सवेरे सवेरे, तो जिम पे तो शूट नहीं होगा इसलिए सवेरे से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज का व्लॉग। तो चलो जल्दी से जिम पहुंचता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। ऑलराइट गाइस, तो अभी जाते जाते आप थोड़ा सा सनराइज का नज़ारा भी देखिए। यो गाइस देखो कितना ही प्यारा सनराइज हो रहा है। टू गाइस न्यू सनराइज ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटी। One eternity later. Yeah, back to home guys. घर पे आ चुका हूँ जिम से। अभी जिम से घर नहीं आया हूँ। घर आके मुझे 1 घंटा हुआ है, लेकिन मेरे पापा सो रहे थे ना, इसलिए मैंने बीच में व्लॉग नहीं करा। अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज एकदम तोड़ वाली बैक की एक्सरसाइज करिए। बैक हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। एनीवेज तो मज़ा आया काफ़ी बैक का वर्कआउट करके। और तो अभी फटाक से फुर एकदम रेडी हो जाते हैं। और रेडी होके मिलता हूँ इन 3, 2, 1। ओके तो गाइस अभी जाने का है अपने को पान लाने के लिए, तो जरूर फटाक चलते हैं। ओह जल्दी जल्दी में पान लाने का है तो मास्क लेना ही भूल गए थे। आप सोच रहे हैं इतने जल्दी में काय को जा रहा है, क्योंकि बता दो ग्रेट सक्सेस गाइस, पान जो मिल चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो सब कुछ हो गया है। तो आप सोचे होंगे कि इतना घाई गाड़ी में बाहर गया ही क्यों पान लाने के लिए। तो गाइस आपको पता होगा नहीं होगा, मतलब जो महाराष्ट्र से उनको तो पता ही होगा कि जो महाराष्ट्र में है सवेरे 7 से 11 बजे तक ही ओपन रहता है, उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है और सारे मार्केट्स वगैरह सब कुछ फिर से बंद हो जाता है। तो इसलिए मुझे जल्दी से वो पान ला के आने पड़े, क्योंकि वो बंद ना हो जाए। थोड़ा सा लंच करेंगे, लंच के बाद देखते हैं क्या सीन होता है। लंच के बाद फिर से मुझे जाने का है शॉप पे। और मम्मी क्या बना रही हो? पूरम पोड़ी गाइस, ये तो मस्त से आप पूरम पोड़ी खाएंगे, आपको बाद में मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सीधा अब ये नेक्स्ट डे पे जब हो गया है व्लॉग। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है दोस्तों कि आप आपको मतलब मन ना हो नहाने का और फिर भी आपको नहाने के लिए भेज दिया और आप बाथरूम में जाके ऐसे मग्गे से पानी उछाल रहे हो थोड़ी देर तक, मतलब बाहर से टाइम पास कर रहे हो? आप भी किया हो या फिर कभी बचपन में किया होगा? करा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज मेरे ऐसा किया, मेरे को नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो खेलते बैठा थोड़ी देर। कल दोपहर को जो हमने पूरन पूरी खाई और जो लेट गए यहाँ पे, तो लेट ही गए, सीधा शाम के 7-8 बजे उठ गए। तो कल का ही लॉकर इसलिए सेकंड पे जंप हुआ। तो अभी कुछ फिलहाल के लिए कुछ प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम मेरी दादी क्या कर रही है। तो दादी बना रही है फुलवात, है ना? फुलवात बोलते हैं ना इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, मराठी में इसको फुलवात बोलते हैं। देखो ये ऐसी होती है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। The next day. हाँ भाई क्या कर रहे हैं? उसने दादी का बीपी चेक कर रहा हूँ, देखो एक मिनट। मेरी दादी, ये दादी का बीपी चेक कर रहा हूँ, बीपी एकदम ऑलमोस्ट ओके। तो दादी का बीपी चेक करना हो गया है, तो अब हम हमारा बीपी चेक करेंगे। देखो स्टार्ट तो हो गई है मशीन, लेट्स चेक बीपी। अब ये घर पे मशीन पड़ी तो चेक तो करना बनता है बॉस, है कि नहीं? क्यों दादी? ये स्पेशल दादी के लिए लाई थी बीपी की मशीन, बीपी शुगर की मशीन, सब घर बैठे सब चेकअप हो जाता है। ये तो बड़ा हुआ निकला, मैं हलचल कर रहा था ना इसलिए बढ़ गया। एक मिनट तो पकड़, 139.65। ओह थोड़ी सी है ऊपर नीचे, पता नहीं क्यों मेरे को बीपी का मतलब इतना इफेक्ट तो नहीं जाने को मिलता, लेकिन ये मशीन बता रही है। तो अब रेडी भी हो लिया है, जिम से भी होके आया हूँ, नाश्ता वाश्ता भी कर लिया है, नींद तो अभी नहीं आ रही, भूख भी नहीं लग रही। तो अब करे तो करे क्या, बाहर नहीं जा सकती, बाहर गई तो पुलिस डंडे मारेगी,
अब घर में बैठ के कुछ ना कुछ तो कंटेंट ढूंढना ही पड़ेगा ना। अब ये पार्ट थोड़ा सा तो बोरी होगा आपको, लेकिन क्या किया जाए, चाय बनाई जाए या केक बनाई जाए। सीरियसली ना गाइस, बाहर जाने के लिए कुछ है नहीं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं कि मैं शेयर करूँ, मेरी कुछ वीडियो भी नहीं ऐसी जिसके बारे में आप लोग उत्साहित हो जानने के लिए, तो मैं क्या ही करूँ। अब कंटेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ। ऑलराइट गाइस, सो अभी हम आ चुके हैं छत पे, ऐसे ही टहल रहा हूँ मैं छत पे, घर पे बैठे बैठे बोर हो गया था, आ गए। और तो एक साइड में हमारे इधर पहाड़ है, तो दूसरे साइड यहाँ पे रेलवे मतलब रेलवे स्टेशन यहाँ पे पास में लगता हूँ। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे रेलवे रुकी हुई, और सीधे यहाँ देखो यहाँ पे भी, और यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं पहाड़ देखो, और यहाँ पे मेरा भाई। तो रेलवे स्टेशन एकदम पास में ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रेन गुजरते रहते हैं हमेशा, हर 5-10 मिनट में, और काफ़ी मीठी मीठी सी साउंड आती है ट्रेन गुजरती है, तो इतना ज़्यादा ये नहीं होता, कान में चुभ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, वैसे वैसे कुछ नहीं होता, अच्छी लगती है आवाज़ ट्रेन की भी। तो ऐसी बात नहीं है कि इधर 40 दिनों में करने के लिए कुछ नहीं, करने के लिए बहुत कुछ है, और घूमने के लिए भी काफ़ी ढेर सारी जगह है, 85 किलोमीटर के आसपास, मतलब गौताला के घाट से पटना देवी का मंदिर है, उसका माउंटेन, और उसके अंदर भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, और पीतल खोरा का जो केव्स है, पीतल खोरा केव्स बोलते हैं, वो भी है एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब है बहुत कुछ। और ऐसे पहाड़ पहाड़ तो है नज़दीक नज़दीक, कौन से भी पहाड़ पे ट्रेकिंग करने के लिए, तो ऐसे ट्रेकिंग करने के लिए भी बहुत कुछ जगह है यहाँ पे। जो पीछे से पहाड़ी देख रहे हो यहाँ पे भी, इन पे भी जा सकते हैं ट्रेकिंग के लिए। अब मुझे बंदा ढूंढना पड़ेगा जो ट्रेकिंग को जाता है रेगुलरली, और उसके साथ एक दिन जाके दो दिन जाके सब पता करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे सारे पार्ट्स मेरे लिए अननोन है, मैं जाऊंगा अटक जाऊंगा, क्या फ़ायदा है कि नहीं, इसलिए बाकी एनीवेज। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, और तो एडिटिंग में बहुत ही काटा घाटी होने वाली है, आपको समझ आ जाएगा कितने कट्स। तो इसी बात पे ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं गाइस, अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो मत करो, नए तो सब्सक्राइब करो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हो आपको ऐसे किसी बढ़िया वीडियो, तब तक के लिए बाय।